हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं तकनीकी सामान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अफोर्डेबल और ड्यूरेबल सीपीयू की। एक ड्यूरेबल और अफोर्डेबल सीपीयू के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक मदरबोर्ड। तो आज हम बात करने जाएंगे ज़ेब्रोनिक के G41D3 मदरबोर्ड की। ज़ेब्रोनिक का G41 आता है DDR3 रैम के साथ। इसका एक और वर्जन भी है जो है G31, जो कि DDR2 रैम के साथ आता है। हालांकि DDR2 में ये दिक्कत है कि एक रैम 2GB से ऊपर की नहीं आती। इसका मतलब आप अपने CPU में 4GB से ज़्यादा रैम नहीं निकाल सकते। ये दिक्कत आपको G41 में नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें DDR3 रैम है जो कि आप 8GB तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल रैम 4GB तक मिल सकती है। ज़ेब्रोनिक का G41D3 मदरबोर्ड सपोर्ट करता है LG775 सॉकेट। इसका मतलब आप इसमें लगा सकते हैं इंटेल कोर 2 डुओ, इंटेल कोर 2 स्क्वाड, पेंटियम सीरीज और सेलेरॉन सीरीज प्रोसेसर्स। अगर आप एक CPU असेंबल करना चाहते हैं अपने ऑफिस के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसमें आपको कोई हैवी एडिटिंग या गेम्स की जरूरत नहीं है, तो ये मदरबोर्ड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतर चीज नहीं मिलेगी। और अगर आप CPU असेंबल कराना चाहते हैं गेमिंग और हैवी एडिटिंग के लिए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नई जनरेशन के प्रोसेसर्स को कंसिडर करें। ये ज़ेब्रोनिक का मदरबोर्ड मैंने अमेजोन से मंगाया है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको अनबॉक्स करना। तो आइए दोस्तों इस मदरबोर्ड के बॉक्स को खोला जाए। इसमें हमको मिलता है ये कागज जो हमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें मिलेगी एक साटा केबल, एक ज़ेब्रोनिक की इंस्टॉलेशन ड्राइवर, बैक पैनल और मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड की ये खास बात है कि ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है सेलर पे, ना कि एज अ कंपनी पे। तो जिस सेलर से हमने अमेजोन से ख़रीदा है उसने हमें पूरा प्री असेंबल करके दिया है। तो इसमें हमें फ़ैन, प्रोसेसर, रैम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो आप ये मदरबोर्ड सेपरेटली भी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और आप चाहें तो फैन, प्रोसेसर, रैम सब सेपरेटली भी ले सकते हैं। बट पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि जो ये डील आपको अमेज़न पे मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी डील है। तो आप इसे प्लीज़ एक बार चेकआउट करिए और फिर अपना आप डिसीज़न ले सकते हैं। दोस्तों, ये CPU हमने असेंबल कर दिया है। ये CPU ऑफिस यूज़, जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं या पे एक बेसिक सॉफ्टवेयर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो ये PCU एज ए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। इसमें आप सारी बेसिक ऐप्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, अपना इसका नोटपैड, पेंट, ये सब छोटी मोटी ऐप्स जो आप चलाना चाहते हैं बहुत ही स्मूथ चलती हैं। और ये अगर आप एज ए स्कूल या अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ऑफिस में एक कंप्यूटर जिसमें लोगों से वेब ब्राउजिंग करनी है, तो ये PC बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, साथ ही साथ हमने इसमें एक नई लाइटिंग भी लगाई है। आप चाहें तो LED लाइट्स अपने लोकल शॉप से भी खरीद सकते हैं और आप इसको पेस्ट कर सकते हैं अपने मॉनिटर के पीछे। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। ये आपको अलग अलग कलर में भी मिल सकता है, जैसे ब्लू, ग्रीन, वाइट। तो अगर आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा फीचर अपने PC में डाल सकते हैं, इससे आपको PC काफ़ी हाई एंड लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जय हिंद।